रमजानपुरा इलाके में हुआ एक वाकया, ये मर्डर है या हादसा? पुलिस की कार्रवाई जारी, हर जाविये से इस मामले को देखा जा रहा है। मालेगांव आज बरोज मंगल 16 जुलाई को दोपहर 4 बजे के करीब रमजानपुरा अबू हुरैरा मस्जिद के पास खबर के मुताबिक ऐसा बताया गया कि यह शख्स को किसी ने दौड़ाया और भागते हुए यह शख्स गिरा, और जब यह गिरा तो वहाँ पर पड़े पतरे से सर में चोट लगी और इसी वजह से इसकी मौत हुई। भागते हुए गिरा, कानपट्टी पर मार लगी। इस शख्स को लोगों ने पहले इलाज के लिए नया फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां दौरान इलाज मौजूद डॉक्टरों ने मौत वाकई होने की तस्दीक कर दी। बाद अज़ा इस शख्स को सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस शख्स की पहचान समीर उर्फ टर्रा के तौर पर हुई है। हमारे नुमाइंदे को जराए के मुताबिक ऐसा कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि जो लोग दौड़ा रहे थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। वो कौन लोग थे? पुलिस इसकी अच्छी तरह से हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। इस वाक़े के बाद पुलिस का सख्त बंदोबस्त सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम के पास देखा गया। शहर DYSP तेजबीर सिंह भी मौके वारदात पर नज़र आए। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई जल्द ही इस तजस्सुस भरे सनसनीखेज मामले को उजागर करने की उम्मीद है। जिस शख्स की मौत हो गई इसकी तादम तहरीर पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद इसके रिश्तेदार दोस्त अहबाब इस एम्बुलेंस को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। पोस्टमार्टम रूम के बाहर एम्बुलेंस के आगे धरना देते हुए ये मुतालबा कर रहे हैं कि पहले इस मुजरिम को पकड़े।